सो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट ले रखा है तो उसकी डेट को आगे कैसे बढ़ाएं, तो चलते हैं यहाँ पे, हम आपको अपने फ़ोन पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेना है। यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड की वेबसाइट को सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, UIDAI के नाम से .gov.in के नाम से है। तो फिर इसको सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दे जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, इसलिए मैं इसे फिर से वापस गो टू होम करके सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आधार अपडेट, नो आधार मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना और कैप्चा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना कैप्चा भी भर देता हूँ। तो कैप्चा वो आप ध्यान से भर लेना। फिर इसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है सेलेक्ट। जैसे आप जनरेट OTP करेंगे, आपको 30 सेकंड के अंदर एक OTP आ जाएगा। तो उसको आपको अपने OTP कोड में एंटर कर देना, उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने OTP कोड एंटर कर दिया। अब वेरीफाई करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने पहले से कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी, कितने लोगों की अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है या किसकी किसकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड, जिसकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो उसके यहाँ पे कुछ 3 टाइप के ऑप्शन आएंगे। आपको सैंपल कैलेंडर पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मई जून 15 मई की अपॉइंटमेंट थी, तो यहाँ पे आपको फिर से रिशेड्यूल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कोने में नीचे एक रिशेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई सी भी डेट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं जून की डेट चुन लेता हूँ, 10 जून। ठीक है, और यहाँ पे अपने हिसाब से टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा बैच। तो आप जो सा भी आपको बैच लगे, जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ जाने का, टाइम पे पहुँच सके, तो फ्रेंड्स वही आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं लगभग 10-11 के आसपास का मैं टाइम ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो, मैं 11:10, 11:30 तक का बैच टाइम ले रखा है। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे, वहाँ पे लेट सवेर कोई दिक्कत नहीं होता, चल जाता। तो फ्रेंड, रीशेड्यूल का होगा तो यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल सक्सेसफुली दिखाई दिया जाएगा। और सिंपली ओके करके उसके साथ में फिर आपके पास एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, रीशेड्यूल का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं उसको रीशेड्यूल को डाउनलोड करना, तो यहाँ पे फाइल के नाम से आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, इसे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उस ब्लू कलर के बटन में प्रिंट फॉर्म लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, प्रिंट फॉर्म पे। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करें तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दिया जाएगा। और फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक PDF फाइल खुल के आ जाएगी। तो आपको सिंपली सेव PDF पे क्लिक कर लेना, फाइल आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। उसको आप चाहे कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हो सके तो आपके एरिया में प्रिंट आउट की जरूरत पड़े वहाँ पर, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, तो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने एड्रेस और डेट का आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मैं अपने फ़ोन में भी जो सेव की फ़ाइल है उसको दिखा दो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने फाइल मैनेजर में चलता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो भी प्रिंट आउट की फ़ाइल अभी रिसेंटली मैं सेव की है, तो ये आप देख सकते हो डाउनलोड फोल्डर में होगी, या तो शायद अभी देख सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट .PDFA के नाम से है। तो मैं इसके चलिए ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे प्रिंट आउट, ओ सॉरी, मेरा PDF यानी कि प्रिंट आउट फाइल मेरे फ़ोन में हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला पेज है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 10 जून का 11:20 के टाइम पे मुझे ये प्रिंट आउट मिल गया। तो आपको सिंपल से डाउनलोड करके आप जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो जो लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।